अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेल, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, हमने अपने पिछले वाले ट्यूटोरियल में देखा था कि किस तरह हम एक ओपनिंग टाइटल बना सकते हैं फिल्मोरा के अंदर, ठीक है। तो उसमें हमने सिंपल सा ये देखा था कि एक अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में एक ओपनिंग टाइटल बनाकर आपको बताया था कि आप इस तरह का एक ओपनिंग टाइटल बना सकते हैं। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है या आप कोई भी ओपनिंग टाइटल बनाना चाहते हैं तो उसे किस तरह बना सकते हैं, तो गाइज मैं एक दफ़ा आपको प्ले करके बता देता हूँ। ये हमारी पिछली वाली वीडियो, अब मैं इसको प्ले करता हूँ और इसी तरह का वेलकम टू माय चैनल और प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद सुहेल, इस तरह से हमने एक ओपनिंग टाइटल बनाया था। अब हम देखेंगे कि कुछ एडवांस फीचर के बारे में, ठीक है, उस एडवांस चीज़ों के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। तो हमने टाइटल की बात कर रहे थे पिछले ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो हम ओपनर में गए और ओपनर में जाने के बाद हमने सिंपल सा यहाँ से एक फॉर्मेट सेलेक्ट किया और फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद उसको ओपनिंग टाइटल एक बना दिया, ठीक है। और इसके अलावा इसकी कुछ सब कैटेगरी हैं जिनसे आप मज़ीद टाइटल को सिलेक्ट करके अपनी वीडियोज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ये तमाम इसकी कैटेगरी, अगर हम टाइटल पर आते हैं तो टाइटल पर आने के बाद आप देखो इन टेक्स्ट में से कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन टाइटल को भी आप अपनी वीडियोस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह लोड्स में और सब टाइटल में इन तमाम ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को एफिशिएंट बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें टाइटल में बस ये टेक्स्ट के हवाले से था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन की, ठीक है। अब ट्रांजिशन क्या होता है, इसमें मोस्टली ज़्यादातर ट्रांजिशन को स्लाइड शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज, अब हम क्या करते हैं कि कोई भी इमेज इधर इम्पोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फिल्मोरा में इसमें कोई भी हम अपनी एक फाइल को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह इंपोर्ट करते हैं। डेस्कटॉप से मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ जैसे, और इधर जाने के बाद मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इधर अब लेयर पर लाता हूँ, ठीक है। अब ये लेयर पर लाने के बाद मैं अब इसमें ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ तो इस तरह से कुछ आता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें ट्रांजिशन इंप्लीमेंट करता हूँ तो ये हमें किस तरह डिस्प्ले होगा, देखो। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ट्रांजिशन पर आना, ठीक है। ट्रांजिशन पर आने के बाद आपने यहाँ से कोई भी, लेट्स सपोज मैं स्लाइड शो में आता हूँ, स्लाइड शो में आने के बाद इससे आप कोई भी जिस तरह आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं सिंपल सा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ और अभी इसको प्ले करते हैं, ठीक है। इस तरह का मतलब ट्रांजिशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हो अपनी वीडियोज के अंदर, ठीक है। आप मैं इसको करता हूँ और अब इसके बाद इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। तो गाइज, ये मोस्टली ट्रांजिशन को हम अपनी स्लाइड वगैरह बनाने के लिए या कोटेशन के लिए, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो मोस्टली ट्रांजिशन का इस्तेमाल जब किया जाता है, ठीक है। आम वीडियोस में बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बहुत ही कम किया जाता है। देखो, इस तरह से आप यहाँ से इसकी ये कैटेगरी है, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह स्पीड ब्लर है और इस तरह है, ये तमाम 3D में बेसिक हैं, ये इनसे इन तमाम जो है ट्रांजिशन यहाँ से आप इजीली सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स की, ठीक है। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आप अपनी वीडियो में फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। आप अपनी वीडियो को मोर एफिशिएंट बना सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आप इधर आता हूँ यूटिलिटी पे, ठीक है। और यहाँ से आप कोई भी अगर आप अपनी जो वीडियो है यहाँ पर कोई भी आप फिल्टर लगाना चाहें, यहाँ से फिल्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा, देखो, ये हमारी इधर ड्रैग हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ तो देखना, देखो, ये हमारा यहाँ से इम्पोर्ट हो चुका है। देखो, ये हमारे पास ये आ चुकी है। अब मैं इसको अगर अपनी पूरी वीडियो में लगाना चाहता हूँ, सबसे पहले आपने इस पर डबल क्लिक करें और इसके बाद आप अपनी जितनी भी वीडियो में आप इसको लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं।
ठीक है। और आपने इसके कलर को भी सिलेक्ट कर लेना है, आप इसे कोई भी कलर जो भी आप व्हाइट के अलावा रेड कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, जो भी आप अपनी मर्जी से इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का मतलब आपका हो जाएगा। अब एंडिंग में भी आप करना चाहते हो तो वो भी आप अपनी मर्जी से रेड कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। देखो अब हमारा इस तरह से ये फिल्टर इधर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। आप इसके साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखो ये इस तरह से साइज को भी आप इसके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको बदल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो, देखो इसका, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, देखो इस तरह हमने मतलब इसमें इफेक्ट अप्लाई किया है। इस तरह हम इन फिल्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास ये फिल्टर होते हैं, इनको आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं आप इसको करना चाहता हूँ, तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। और उसके बाद जितनी वीडियो में आप फिल्टर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जितनी वीडियो में आप फिल्टर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उस एरिए को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से अपनी वीडियो में फिल्टर को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो देखें गाइस हमारा जो फिल्टर है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप अपनी मर्जी से कोई भी फिल्टर इधर इस्तेमाल कर सकते हो। देखो इसकी कुछ टाइप्स भी हैं फिल्टर की, आप इधर से कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।